क्रिकेट के वीडियोस देखकर मजा तो बड़ा आता है लेकिन हंसी नहीं आती क्या? वेल, अगर आपकी भी यही शिकायत है तो राउंड द विकेट आज आपकी ये शिकायत दूर करने वाला है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं यानी कि आपका दोस्त साजिद अनवर लेकर आया हूँ टॉप 10 फनीएस्ट मोमेंट्स इन क्रिकेट, जिसमे है प्लेयर्स की एपिक फेस, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस और फनी फील्डिंग मिसअप्स का एक जबरदस्त कलेक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्रिकेट का लाफ्टर शो। नंबर 10, कविम होज यूजिंग डिफरेंट बैट टू हिट द बॉल। वेट, यूजिंग डिफरेंट बैट टू हिट द बॉल, अरे भाई ये कैसे मुमकिन है, चल क्या रहा है क्रिकेट में? वेल, इसे समझने के लिए आपको ये क्लिप देखनी होगी। ये बात है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले टेस्ट मैच की। इस दौरान वेस्ट इंडीज के बैट्समैन कविम होज बढ़िया से बैटिंग कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बॉल को मिस कर गए और बॉल सीधा जाकर लगती है उनके प्रीसीएस पार्ट पर। अब यहाँ पे मजेदार बात ये होती है कि बॉल जैसे ही उनके सिस्टम पर लगी, उन्होंने खुद को डिफेंड करने के बजाय उसी पोजीशन में बॉल को हिट कर दिया, यूजिंग द हिडन बैट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो तो शुक्र है कि हिफाजत के लिए सेफ्टी गार्ड होता है, वरना कविम भाई साहब तो छक्का मारने की फिराक में थे इसी बैट से। चलो भाई, सेफ्टी गार्ड के चलते बच गए, वरना आज के बाद क्रिकेट नहीं खेल पाते। वैसे दोस्तों, आप में से कितनों ने ये दर्द महसूस किया है, जरा कमेंट करके तो बताओ। नंबर 9, ऋषभ पंत हेल्पिंग बांग्लादेश। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग द मैच फील्डिंग कॉन्सर्ट करता है, ऑब्वियसली कैप्टन और बॉलर मिलकर फील्डिंग सेट करते हैं ताकि बैट्समैन को जाल में फंसाया जा सके। लेकिन तब क्या होगा भाई, जब बैट्समैन खुद ही फील्डिंग सेट करने लग जाए? जी हाँ, क्रिकेट इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया, लेकिन हाल ही में ऋषभ पंत भाई साहब ने ऐसा करके दिखा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, बॉलर तो मिड विकेट पर फील्डर लगाना ही भूल गया। फिर गया था, उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ करना क्या है। उन्होंने बिना वक्त गवाए बांग्लादेश की टीम को डायरेक्शन देना शुरू कर दिया कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। और हैरानी की बात तो यह है कि बांग्लादेश की टीम ने ऋषभ पंत की बात मान भी ली और जिधर वो बोल रहे थे उधर एक फील्डर भी लगा दिया। वाह, ऋषभ पंत ये कह रहे इधर फील्डर आना चाहिए, बॉलर को बता रहे हैं, फील्डर और बॉलर ने लगा भी दिया वहाँ पे। नंबर 8, अंपायर फॉलिंग। इधर चला मैं उधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये तो हमारे एम्पायर चचा खुद ही अनकंट्रोल्ड होकर क्रैश लैंडिंग कर गए। अब देखो, हुआ ये कि बैट्समैन के शॉट खेलने के बाद एम्पायर उल्टे पांव दौड़ते हुए विकेट से दूर जाने लगे, लेकिन हमारे चचा को शायद पता नहीं था कि वो चुड़ैल थोड़ी ना है जो आसानी से दौड़ सके उल्टे पांव। खैर, दौड़ते हुए वो हो गए अनकंट्रोल्ड और फिसल कर गिर गए नीचे। अब बेचारी फील्डिंग टीम भी कंफ्यूज हो गई, यार हम तो विकेट गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एम्पायर चचा काहे धराशायी हो गए। Direct hit and everyone's down there. Who's fallen over? Number 7, whole team running for a ball. अच्छा ये बताओ कि क्या आप लोगों ने कभी क्रिकेट के मैच में फुटबॉल देखा है क्या? अरे फिकर नॉट, मैं दिखाता हूँ ना। ये हिस्टोरिकल नजारा था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में खेले गए एक टेस्ट मैच का। अब होता यूं है कि बांग्लादेशी टीम फील्डिंग कर रही थी, स्लिप में बांग्लादेश की ओर से 4 से 5 प्लेयर एकदम दनादन खड़े कर दिए गए। अब जैसे ही बल्लेबाज ने स्लिप की ओर शॉट खेला, उस बॉल को पकड़ने के लिए बांग्लादेश की आधी टीम उस बॉल के पीछे दौड़ने लगी, और जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल खेल चल रहा है और इनके मन में ये चल रहा है जी हाँ। और वो तो शुक्र मनाइए कि आधी टीम मिलकर बॉल को रोकने में कामयाब रही, वरना अगर बॉल बाउंड्री पार चली जाती तो ये सारे प्लेयर्स मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे होते, वाह 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 चलो हमने गोल कर लिया, बड़ा मजा आया। नंबर 6, कैच द बॉल नॉट द प्लेयर। लग जा गले कि फिर ये, उप्स सॉरी, ये वीडियो के बीच में मैं गाना क्यों गाने लग गया? वेल वेल वेल,
फील्ड में नजारा ही कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे अचानक ये गाना याद आ गया। देखो हुआ ये कि जब बैट्समैन ने शॉट खेलने की कोशिश की तो बॉल एज लेकर हवा में चली गई। अब इस कैच को पकड़ने के लिए विकेट कीपर ने अपना दम भर के 100% एफर्ट लगा दिया। वो तो बैट्समैन लगी था कि बॉल ऊपर जाने के बाद भी वापस उसी के कंधे पे आके गिर गई। अब इस बॉल को पकड़ने के लिए विकेट कीपर बैट्समैन के बिल्कुल पास आ गया एंड लिटरली उसने बैट्समैन को गले ही लगा लिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी कैच नहीं पकड़ सका। अब जिस वक्त विकेट कीपर भाई साहब बैट्समैन को गले लगाने में बिजी थे, उसी वक्त बॉल उनके हेलमेट पर लगकर नीचे गिर गई। हार्ड लक ब्रो। नंबर 5 राशिद खान अर्ली सेलिब्रेशन। अगर क्रिकेट में ना प्रैंक अलाउ होता तो सही बता रहा हूँ कि फील्ड में कुछ ऐसे ही क्लिप्स निकलकर सामने आते जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना। बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान राशिद खान की बॉल बैट्समैन के पैड पर जाकर लग गई। अब विकेट कीपर और बॉलर राशिद खान ने जोरदार अपील कर दिया एकदम दनादन। अब ऐसी जोरदार अपील सुनकर एम्पायर ग्रेग डेविडसन ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। अब एम्पायर का उठता हुआ हाथ देखकर राशिद खान ने विकेट सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया कि वाह चलो विकेट तो मिल गया। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, एम्पायर ने हाथ तो विकेट का इशारा करने के लिए ही उठाया था लेकिन बीच में उनका मन डोल गया, उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और उंगली ऊपर उठाने की बजाय अपने नाक में डाल ली। वाह चचा वाह, खेल गए ये तो बीच में ही, अपनी नाक खुजाने लगे एम्पायर चचा। और जब राशिद खान ने वापस मुड़कर एम्पायर की ओर देखा तो ये क्या है भाई, आउट क्यों नहीं दिया? तब एम्पायर ने अपने मन में कहा होगा प्रैंक हो गया आपके साथ। नंबर 4 केमार रोच, बी केयरफुल ब्रो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये लाइनें सिर्फ रोड सेफ्टी के लिए ही रेलेवेंट नहीं है बल्कि क्रिकेट में भी ये हमेशा याद रखना चाहिए, वरना वही हाल होगा जो केमार भैया का हुआ। अब एक टेस्ट मैच के दौरान डिफेंसिव शॉट खेलने के बाद केमार रोच रन लेने के लिए दौड़ पड़े लेकिन वही दूसरी ओर से बल्लेबाज ने कहा अरे नहीं 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 मैं नहीं दौड़ने वाला। उस समय केमार रोच जहां पर थे वहां से इजीली क्रीज में वापस जा सकते थे, उन्होंने वापस आने की कोशिश भी की लेकिन वापस मुड़ने के दौरान वो फिसल पड़े और गिर गए नीचे, शायद उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। जस्ट किडिंग। अब बेचारे केमार रोच तो नीचे ही गिर गए तो अपोजिट टीम को ऑलरेडी गिरे हुए बल्लेबाज का विकेट गिराने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन लोगों ने केमार रोच को आसानी से रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया कि भैया आराम ही करना है तो पवेलियन जाके आराम करो, यहाँ काहे लौट रहे हो। नंबर 3 हैरी ब्रुक्स बिजारे मोमेंट। अब बचपन का क्रिकेट तो याद ही होगा जब गेंद किसी की छत या फिर किसी पेड़ में जाकर अटक जाती थी और हम बहुत देर तक निकालते रहते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये भला पॉसिबल ही नहीं है लेकिन 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 फिर भी एक मैच में गेंद अटक गई, वो भी मैदान में। कहाँ अटकी, चलो देखो इस क्लिप में। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक पाकिस्तान के हरीश रौफ का सामना कर रहे थे। रौफ ने गेंद फेंकी एंड सरप्राइजिंगली गेंद हैरी ब्रुक के हेलमेट ग्रिल को पार करते हुए उनके हेलमेट के अंदर चली गई। यार गेंद कहां गई गेंद। मजे की बात है कि बिल्कुल इसी तरह से ब्रुक को भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि गेंद गई तो गई किधर, वो अपने आसपास गेंद को ढूंढने लगे लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि उत्तरी गेंद तो हेलमेट के अंदर है, लिटरली उनके नाक के नीचे। यहाँ पर हैरिस रूफ मजे लेने के लिए ब्रुक के पास आकर उनके हेलमेट के अंदर से गेंद निकालने लगे ताकि कैच आउट की अपील कर सके, हालांकि उस बॉल को डेड बॉल डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 2 शहनवाज दहानी, ठहर जा भाई। अब जब आपको रनर बनना हो लेकिन फैमिली प्रेशर में आप क्रिकेटर बन जाते हैं तब आप कुछ ऐसी ही हरकत करने लगते हैं। कैसी हरकत, वो तो आपको ये क्लिप देखकर ही पता चलेगा। विकेट मिलने पर तो हर बॉलर खुश होता है और होना भी चाहिए, सेलिब्रेशन का टाइम है, विकेट निकाला है, लेकिन जिस तरीके से शहनवाज दहानी ने अपनी खुशी जाहिर की वैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शहनवाज को जैसे ही विकेट मिला उन्होंने तो इतनी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया जैसे मानो वो ओलंपिक के 100 मीटर में उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे भैया अरे कहां निकल जाओगे। उन्हें बेतहाशा दौड़ता देखकर एम्पायर ने भी रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं। Backed away too much on this occasion. Look out, he's going to tackle. Aleem, you're too slow, son. Number 1, Rohan Mustafa trying to catch extra balls. Control, Rohan, control. क्रिकेट में सिर्फ एक बॉल कैच करने से ही कैच लेजिट हो जाता है।
आपको एक्स्ट्रा बॉल पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको ये समझ में आएगा इस क्लिप को देखने के बाद। देखो इस मैच में रोहन मुस्तफा बॉलिंग कर रहे थे और बैट्समैन ने धाएं से उनकी तरफ शॉट खेल दिया और इस कैच को पकड़ने में रोहन को काफी मेहनत करनी पड़ी। अरे अरे पकड़ लिया, जैसे तैसे करके तो उन्होंने कैच पकड़ ही लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो हरकत की, बाप रे बाप, उसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। एक बॉल को पकड़ने के बाद एक्स्ट्रा बॉल्स, खैर जाने दो। ड्रेसिंग रूम की मस्ती ऑन फील्ड नहीं करने का रोहन भाई, नहीं नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो देखकर आपको हंसी आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा फनी मोमेंट क्या लगा। क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।